अविरल पावन बहता कलकल, जीवन के सब रंग जाए खिल, जल बिन सूना है सब कुछ, ये है तो खिल जाए हर दिल, धरा को तृप्त करता, सबकी प्यास बुझाता, हर घर जल मुस्कान है लाता। देश में हर घर की टेहरी तक साफ पानी पहुंचे, इस मकसद के साथ साल 2019-20 में शुरू हुआ जल जीवन मिशन आज नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसके तहत हर घर तक नल कनेक्शन के साथ साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भी मिशन के तहत अभूतपूर्व काम हुआ है। पावन धाम गंगा मैया मंदिर के आंचल में बसे जिला बालोद में हर घर जल मिशन की कामयाबी हर चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही है, क्योंकि जिले के डोंडी विकास खंड के मरदेल के आश्रित ग्राम जपकसा में घरेलू नल जल कनेक्शन के 100% लक्ष्य को हासिल किया जा चुका है। जपकसा के सभी 65 घरों में नल कनेक्शन की सौगात दी गई। ये सौगात लोगों के जीवन में खुशियों के रंग लेकर आई है। पहले कुएं आदि से पानी लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन घरों में नल लगने से एक तो शुद्ध पानी मिल रहा है, वहीं पानी ढोकर लाने की शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के साथ समय की बचत हो रही है। आगे तो कुआं के पानी लाना, अब कुआं हुआ नहीं जान, अभी नल फिट हो इसलिए अभी पानी उनकी व्यवस्था बहुत अच्छा है। अभी घर घर में नल हो गए, हम लोग पानी की सहूलत हो गए, सरकार आशीर्वाद दे। जब कसा गांव के लोगों की परेशानियां छू मंतर हो गई है, हर घर तक पहुंचा जल वर्तमान समस्याओं का हल और राहत का कल लेकर आया है। ब्लॉक के आसपास गांव में भी तस्वीर बदल रही है। जब कसा में हर घर के साथ अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन में भी नल कनेक्शन मुहैया है। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन इकाई और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की मेहनत से लोगों के सपने साकार हुए हैं। क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन यानी कि FHTC के जरिए साफ पानी हर घर तक पहुंच चुका है। लोग यहां बेहद खुश हैं। हमला पहले गांव में पानी की समस्या रहा है, घर से बहुत दूर जाले लगे पानी बा, और अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो घर घर में नल लगे है तेकर से हमला पानी के उपलब्ध आसानी से हो जाते। मैं बड़ दूरिया ले पानी वानी लात रही हूँ पहली, अभी घर में नल लगे है तो बहुत सीधा हो गए है। हमन हाँ समय में पानी भर रहा था और समय में काम भी हो जाते, ओकरे से मैं सरकार ला धन्यवाद देता हूँ। हमारे गांव में पहले पानी की बहुत समस्या थी और शासन के द्वारा जल मिशन ग्रहण के तहत नल कनेक्शन दिया गया है और हम वहाँ से पानी का उपयोग करते हैं पीने खाने के लिए। पीने और सभी जरूरी कामों के लिए साफ पानी तो मिल ही रहा है, ग्रे वाटर का भी प्रबंधन हो रहा है। लोग बचे हुए पानी का इस्तेमाल अपने किचन गार्डन में कर रहे हैं। साफ पानी से लोगों को सेहत की गारंटी मिल रही है तो समय की बचत से लोगों के कामकाज में गुणवत्ता बढ़ी है। जल जीवन मिशन के तहत FHTC कनेक्शन देने के लिए उच्च स्तरीय टंकी, पंप, स्विच रूम, क्लोरीनेटर आदि की स्थापना की गई। गांव के सभी परिवारों की उनके आधार कार्ड के साथ IMIS में एंट्री की गई। जब कसा के लिए वो शानदार दिन था जब उसे हर घर जल ग्राम घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक हुई, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, पंच, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य और ग्रामीणों की मौजूदगी में पूरे उत्साह के साथ अनुमोदन किया गया। हमारे जपकसा में अभी नल जल योजना जो लगा है 65 घर में और शुद्ध पानी मिल रहा है और सभी जल बहने अति खुश हैं कि हमको स्वच्छ जल मिल रहा है ऐसे कह करके। जल सुरक्षा ही जल जीवन मिशन का मकसद है। बालोद जिले में साल 2024 तक 100% घरों में नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए पूरी टीम जी जान से जुटी है। ग्राम पंचायत जपकसा में
लगभग 65 घर हैं जहाँ पे 273 हमारी जनसंख्या है और पूरे घर जो हैं नल कवर कर चुका है, नल से जल वहाँ पहुँच रहा है। और ये सभी ग्रामवासियों से जो हम लोगों की चर्चा होती है उसमें सभी ग्रामवासी बहुत प्रसन्न हैं। इन दोनों जगहों पर 100% आंगनवाड़ी, स्कूल और संस्थाओं को भी कवर कर लिया गया है। लोगों को अब जो पहले परेशानी हुआ करती थी कि उन्हें आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर दूर जाकर पानी पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती थी घरों के लिए, वो अब समाप्त हो गई है। दो गांव हैं जबकसा और दर्री टोला, यहाँ पर भी काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी हम और भी गांव को इसमें शामिल करते जाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि तेज़ी से जल जीवन मिशन के जो राज्य शासन के निर्देश हैं, जल जीवन मिशन के कार्य में तेज़ी आए और बहुत जल्दी लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो। जीवन को करता पोषित, प्रकृति में भरता सब रंग, जल है तो कल है, इसकी आमद से हर मन मलंग, हर घर जल, जल जीवन मिशन। हर घर जल, जल जीवन मिशन।